वेलकम बैक दोस्तों, कैसा रहेगा जब आप कैलकुलेटर की जैसे कैलकुलेशंस करेंगे? जी हाँ, कैलकुलेटर की तरह। इस वीडियो को देखने के बाद आप कैलकुलेटर तो भूल ही जाओगे, पर इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। आज हम इसमें मैथमेटिक्स की कुछ ट्रिक सीखेंगे। आइए देखते हैं ट्रिक नंबर वन, जिसमें हम टू डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, 38 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले 9 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 8 72, 2 यहाँ पे लिख लिया, 7 कैरी फॉरवर्ड कर दिए। इसके बाद में क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 27, 27 नोट कर लिया। उसके बाद में 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 40 यहाँ नोट कर लिया। और ये जो कैरी ली थी 7, इसको भी ऐड कर देंगे। 7 यहाँ लिखा, इसको ऐड कर दिया। इनको टोटल करते हैं तो 74 आता है। अब 74 में 4 यहाँ लिख देंगे और 7 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसके बाद में 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 15 में 7 ऐड करेंगे, 15 प्लस 7 22। तो ये आ गया आपका 38 into 59 का मल्टीप्लाई। ये तो आपको समझाने के लिए बताया था, इसलिए इतना टाइम लग गया। अब एक जल्दी से करते हैं। अब इस एग्जांपल में 67 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23, वही सेम प्रोसेस रहेगा पहले वाले की तरह। 7 3 21, 1 यहाँ लिखा, 2 ही कैरी फॉरवर्ड करा। इसके बाद में क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 7 2 14, 18 प्लस 14 एंड 2 कैरी फॉरवर्ड थी ये वाली, इनको ऐड करेंगे, 34 आएगा। 4 यहाँ पे लिखेंगे, 3 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 6 2 12, 12 प्लस 3 15। तो ये आ गया आपका 67 into 23 का मल्टीप्लाई। ट्रिक नंबर 1 कंप्लीट हुई। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट होगा। आइए अब ट्रिक नंबर 2 की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम इसको जनरलाइज फॉर्म में देखेंगे। 11 को किसी एक नंबर ए बी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 11 into AB, सबसे पहले A लिखेंगे, इसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस B, फिर मल्टीप्लाई करेंगे B। ये एक जनरलाइज फॉर्म। इसी तरह 11 का मल्टीप्लाई आएगा। इसको आगे समझने के लिए कि इसका एग्जांपल लेते हैं, 11 into 58, यहाँ पे 5 A हो जाएगा और 8 B हो जाएगा। अब इसको 58 को इस वाले फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले A आ जाएगा 5, A प्लस बी 5 प्लस 8, उसके बाद में B आ जाएगा 8। अब इसको राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन करते हुए लाते हैं। सबसे पहले एज इट इज 8 आ जाएगा, उसके बाद में 8 प्लस 5 कितना होता है, 13, 3 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 5 प्लस 1 कितना होगा, 6। तो ये रहा 11 into 58 का मल्टीप्लाई। ये तो आपको समझाने के लिए बताया था। इसके आगे एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, जिसमें 11 को 62 से मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 62। इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेंगे 6 6 प्लस 2 एंड 2। इसके बाद में 2 को एज इट इज यहां लिख देंगे, 6 प्लस 2 8 होगा और 6 को ऐसे लिख देंगे। ये रहा आपके 11 इंटू 62 का मल्टीप्लाई। आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 3, जिसमें 91 से 99 के नंबर्स का मल्टीप्लाई देखेंगे। तो आइए इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, जिसमें 91 को 93 से मल्टीप्लाई करेंगे। 91 इंटू 93, इसको नोट करेंगे 91 इंटू 93। सबसे पहले ये देखेंगे ये नंबर 100 से कितना छोटा है, 91 100 से कितना छोटा है, 9 तो -9। अब 93 100 से कितना छोटा है, 7 तो -7। इसके बाद में सबसे पहले 9 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 = 63। और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाते हैं, तो ये पॉजिटिव साइन ही है। इसके बाद में या तो 91 में से -7 कर दो या 93 में से -9 कर दो, दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा। अगर 91 में से 7 माइनस करते हैं तो आता है 84, या 93 में से 9 माइनस करोगे तो भी आएगा 84। तो ये रहा आपका 91 इंटू 93 का मल्टीप्लाई, 8463। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसमें 96 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 98। यहाँ पे 96 लिखेंगे, यहाँ पे 98 लिखेंगे, अब वही सेम प्रोसेस रहेगा। 96 100 से कितना छोटा है, 4 नंबर, तो -4 करेंगे। 98 कितना छोटा है 100 से, 2 नंबर, तो -2 करेंगे। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8। अब इसके आगे 0 लगा देंगे, क्योंकि ये हमेशा 2 नंबर्स ही होते हैं। इसके बाद में या तो 96 में से 2 माइनस कर देंगे या 98 में से 4 माइनस कर देंगे, दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा। अगर मैं 96 को 2 से माइनस करती हूँ तो आता है 94, और 98 को 4 से माइनस करती हूँ तो भी 94 ही आएगा। तो ये आपका 96 × 98 का मल्टीप्लाई, 9408। इस वीडियो में हमने 100 से नीचे नंबर को कुछ ही सेकेंड में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखा था। अब आगे आने वाले वीडियोस में 100 से अबव वाले नंबर्स को जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, जिसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है, प्लीज उन्हें जरूर कीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और आपकी प्रैक्टिस की हैबिट हो जाएगी। वैसे भी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतनी प्रैक्टिस हैबिट होगी आपकी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।